أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे. वही हमारा चैप्टर नंबर 3 ही चल रहा है अभी, और ये प्रिलिमिनरीज हम एक्चुअली सीख रहे हैं वहाँ पे. आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप आमतौर पर मैट्रिक में भी सीख चुके हो. ये वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू, ये इसमें लिखा है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. फिर हमने एक्सेलेरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं. एक्सेलेरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना अब आपने, ठीक है जी. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है. यानी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो होती है. और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है. और उस सूरत में हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है उसके हवाला से हमने बात करनी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट बात करनी होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन उसी एतबार से एल टी माइनस टू होगी. मेरा ख्याल जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर पहले ले चुके हैं उनको अभी इसको मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने लाजमी तौर पे मुझे कॉन्टेक्ट करना है और ये अच्छा, अब हम इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन करते हैं. और इसकी एक्सप्लेनेशन में जो वेरी सिंपली हमने कंसीडर करना है, इसके लिए हम कहते हैं कंसीडर अ बॉडी whose initial velocity is v i. And time t, its velocity changes to vf. The change in velocity is delta V is equal to final velocity minus initial velocity. फिगर के तौर पे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वी आई, और ये हो गया वी एफ, और ये वाला वेक्टर जो है ये चेंज इन वेलोसिटी होगा डेल्टा वी.
अब हम इसी के साथ जो है वो एवरेज एक्सलेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। ये अब हमें चेंज इन वेलोसिटी का पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये नज़र आ रहा है हेड टू टेल रूल से, वी वन प्लस डेल्टा वी इज़ इक्वल टू वी एफ, वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। ये चेंज इन वेलोसिटी है आपके पास। और अब हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसमें सिंपली जो चेंज इन वेलोसिटी है और टोटल टाइम टेकन के ऊपर अगर हम डिफाइन करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, इफ डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, देन एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज। ए ए वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और बाज़ुकात ये जो फार्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, ये इस तरीके से भी हेल्पफुल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये अलहदा से अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसका उसकी बात पूछी जाती है, तो ये आप इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में सिंपली डिफाइन कर देंगे। अब हम इसी एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। The instantaneous acceleration is defined as the limiting value of the ratio delta V over delta t as delta t approaches zero is called instantaneous acceleration. Mathematically,
ये INS इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच इज जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक और प्रॉपर्टी अब हमने डिस्कस करनी है, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज is positive. If of the body is decreasing, then acceleration is negative, uniform acceleration. Uniform acceleration. If instantaneous acceleration of a body does not change, then its acceleration is said to be very uniform. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। बाकी जो हमें ज़रूरत होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको